अनदर वीडियो, मेरा नाम है शिवम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चमकांडे गेमर। सो गाइस कैसे हो आप लोग, ठीक हो गए? सो गाइस आज मैं करने वाला हूँ एक और बार अपने सब्सक्राइबर के साथ एक कस्टम मैच। और गाइस आज हमारा अपोनेंट है पंकज। सो गाइस पंकज बहुत ओपी खेलता है गाइस, ठीक है? सो गाइस बहुत बढ़िया खेलता है। सो गाइस आज मैं उसके साथ कस्टम करने वाला हूँ, ठीक है? सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है इस गेम प्ले में। सो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा कस्टम मैच स्टार्ट हो चुका है। गाइस आज हमारा अपोनेंट है गाइस पंकज। और गाइस पंकज बहुत ओपी खेलता है गाइस, बहुत अच्छे वन टैप हेडशॉट मारता है। सो गाइस हमें बहुत सेफ खेलना पड़ेगा इस गेम प्ले में ताकि हम अपन लोग जीत जाए। तो यार यहाँ पे हमारा पहला राउंड जो है गाइस वो स्टार्ट होने ही वाला है। और गाइस यहाँ पे हमारा पहला राउंड स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस अभी अपन को सीधा सीधा रश करना है। सो यहाँ पे देखो यार हम क्लॉक टावर पे पहुंच चुके हैं गाइस, वो बंदा जो है कहीं यहीं कहीं होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं पे है, सो चलो इसे खत्म करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ग्लूवॉल से अपने आप को कवर किया। सो गाइस यहाँ पे यार मैंने गलती से जो है ग्लूवॉल उठा लिए गाइस, मैंने यार यूएसपी ने सॉरी जीएटी नहीं उठा। सो यहाँ पे इस बंदे ने मुझे हाथ से मार दिया। सो गाइस यार ऐसे कैसे इस बंदे ने मेरे को हाथ से हटा दिया, इस बात तो क्लॉक की एबिलिटी भी नहीं होगी, कैरेक्टर स्किल तो बंद है। सो यार यहाँ पे लग जा बस एक हेडशॉट और ही मर जाएगा भाई, एक होगा। सो गाइस यहाँ पे यार मैंने गलती से यार पता नहीं कहाँ कस्टम लगा, मतलब कस्टम कह रहा हूँ गाइस कहाँ का मैंने ग्लू वॉल्स का यूज कर लिया, ऊपर नीचे दाबा गया हर जगह मैंने ग्लू वॉल्स का यूज कर लिया गाइस टेंशन में, ठीक है? थोड़ी गाइस मैं थोड़ा घबरा गया था क्योंकि मेरे को हारने का नहीं है, क्योंकि यार अगर मैंने एक मौका भी दिया इस बंदे को तो मुझे मार देगा ये। अबे गाइस बंदे ने तो मेरे को पीछे धपा कर दिया गाइस, ये कैसे हो गया? सो यहां पे मैंने इतने सारे ग्लू वॉल लगाए थे, इसने सारे ग्लू वॉल फोड़ कैसे दिए गाइस? यार मैंने इतना मतलब यार इस बंदे ने मेरे को यार पीछे से मारा यार, कितनी गलत बात है गाइस, कितनी गलत बात है यार, इस बंदे ने मेरे को पीछे से मारा, शिट यार बहुत गलत बात। सो यहां पे हमारा सेकंड राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यार इस राउंड में मैं जो है एम पी फाइव नहीं अपन क्या उठाए डेजर्ट ईगल उठाऊँ या अगर MP5। सो गाइस यहाँ पे देखो डेजर्ट ईगल, यहाँ पे गाइस मैंने MP5 की जगह यार MP5 कह रहा हूँ, मैंने MP5 नहीं उठाकर क्या कहते हैं डेजर्ट ईगल जो है वो उठा ले, ठीक है? सो अभी अपन को थोड़ा सीधा जो है रश करना है। सो अब मेरा कोशिश रहेगी कि मैं इसे डेजर्ट ईगल से हेड मार सकूँ। सो यहाँ पे देखो मेरे को पता चल चुका है बंदा यहीं पर है। सो गाइस हमारे पास एक ग्लू वॉल है, तो यार अभी यार मेरे को लग रहा है कि ऐसा कि हाँ भाई मैं जीत सकता हूँ, ठीक है? सो अभी यार मेरा पिंग भी होने लग चुका है। सो गाइस आप देख सकते हो यार मेरा पिंग जो है वो गाइस बहुत मतलब 99 का पिंग बार-बार हुए जा रहा है, ठीक है? सो अभी यार यहाँ पे मैं थोड़ा आगे की साइड चला जाता हूँ गाइस ब्लू वॉल की हेल्प से। यहाँ पे मैंने रश करने की कोशिश की, हेडशॉट की कोशिश नहीं लगा, कोई बात नहीं। सो अभी फिर से हेडशॉट की कोशिश नहीं लगा, कोई बात नहीं, फिर से मैंने अपने आपको ग्लू वॉल से कवर कर लिया। सो यार यहाँ पे देखो मेरा क्या पता नहीं कितना ज्यादा पिंग हुए जा रहा है गाइस, मेरा बहुत ज्यादा पिंग हो रहा है गाइस, कभी 200 कभी 99+। सो यहाँ पे मैंने 90 का डैमेज था, इसने भी मेरे को 90 का डैमेज दे दिया गाइस। सो यहाँ पे मेरे को थोड़ा रुकना है, थोड़ा हेल्थ लगाते हैं और यहाँ पे हेल्थ लग जाओ, यहाँ पे गाइस मैंने हेल्थ लगा ली। सो अभी मेरे को थोड़ा रुकता हूँ गाइस, पहले यार रश करते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल से रश करने की कोशिश की। सो यार ये बंदा मेरे को नहीं पता ये बंदा है कहाँ, किस साइड है गाइस, मेरे को नहीं पता ये बंदा किस साइड है, कहाँ है भाई ये, कहीं पर भी हो सकता है गाइस, ये कहीं पर भी हो सकता है। मेरे को यार एक भी मौका नहीं देना, क्योंकि मैंने एक भी मौका दे दिया तो ये बंदा वो मौका छोड़ेगा नहीं, मौके पे चौका जरूर मारेगा, ये मुझे पता है, ठीक है? सो अभी मेरे को थोड़ा रुकना पड़ेगा कि मेरे को नहीं पता क्योंकि ये बंदा कहाँ है, ठीक है? सो देखो यार ये बंदा वहीं पर, पता नहीं ये गोल्डन क्या था भाई, मर जा क्या? सो ये पता नहीं ये गोल्डन क्या था मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन यार कोई बात नहीं, यहाँ पे हम जीत चुके हैं, ठीक है गाइस बहुत अच्छी तरीके से। सो गाइस यार यहाँ पे हमारा पांचवा राउंड भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, वो बंदा तीन बार जीत चुका है, मैं बस एक बार ही जीता हूँ। सो गाइस तभी मेरे को बिल्कुल भी उसे मौका नहीं देना है पंकज को, क्योंकि यार पंकज बहुत ओपी खेलता है, अगर मैंने उसे थोड़ा सा भी मौका दिया तो गाइस वो मौका छोड़ेगा नहीं और वो मुझे हेडशॉट लगा देगा, जैसे अभी तीनों राउंड में उसने लगाए हैं। सो यहाँ पे देखो मुझे पता चल चुका है बंदा यहीं पर है, तो अभी अपन को कुछ नहीं करना, अभी अपन को जो है वो कैंपिंग करनी है यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसे गाइस सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग से ही हरा सकते हैं, वरना ऐसे नहीं हरा सकते। यहाँ पे देखो इस बंदे ने मतलब मैं इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 7 का डैमेज दिया और बंदे भाई साहब वो भाई सिर्फ और सिर्फ 50% HP बची है गाइस, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब भगवान ने हमें बचा लिया गाइस। सो यहाँ पे मैंने इसे सिर्फ 7 का डैमेज दिया और इसने मेरे को 150 का डैमेज दे दिया भाई साहब। सो यहाँ पे चलो अभी जैसे अपन लोग जो है हेल्थ यहाँ पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे देखो फिर से हेडशॉट देने की तैयारी कर रहा है गाइस, ये बंदा फिर से हेडशॉट देने की कर रहा है, मैंने बहुत डैमेज दे दिया और ये मर जा प्लीज मर जा, अरे नहीं मेरा कोई बात नहीं, मारते और ये मर जा
ओ भाई साहब फिर से हेडशॉट दे दिया भाई साहब, लगातार गाइस यार लगातार 4 बार इसने मेरे को हेडशॉट मारा है गाइस। अब बहुत हो गया गाइस, अब बात जो है हमारी इज्जत पर आ चुकी है गाइस, बहुत मतलब बहुत गलत बात हो चुकी है। यहाँ पे गाइस अपन लोग M1014 उठा लेते हैं और MP5। सो यहाँ पे मैंने यार दोनों के दोनों गन जो है वो ले ली है, ठीक है। ग्लू वॉल भी ले लेता गाइस, वेस्ट वेस्ट हेलमेट हेलमेट सब कुछ गाइस, सब कुछ लेंगे जो हमें चाहिए सब कुछ, चाहे पॉइंट रहे या ना रहे मेरे पास अगले राउंड के लिए। लेकिन गाइस किसी भी हालत में अब मुझे यार इस बंदे को हराना ही हराना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारा जो छठा मैच है वो भी स्टार्ट हो, छठा राउंड कह रहा हूँ, मैच कह रहा हूँ छठा राउंड, ठीक है। छठा राउंड में हमारा स्टार्ट हो चुका है और मेरे को नहीं पता ये बंदा देखो सामने क्यों रहेगा ये बंदा, ठीक है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ पीछे की साइड, या पीछे की साइड जा रहा हूँ मैं रश करने, तो चलो गाइस पीछे से अपन लोग जो है वो रश करते हैं, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा ऊपर की साइड जाता हूँ, आई थिंक ये बंदा यहीं कहीं खड़ा हो, यहीं पे है क्या, या फिर वही भाग गया। अच्छा गाइस ये देखो यहीं पे आई थिंक इस बंदे ने गाइस हमें देख लिया, गाइस वापस इस बंदे ने हमें देख लिया। अब तो देखा नहीं होगा तब भी देख मतलब पता चल चुका होगा क्योंकि हमने जो है वो गोलियां चला दी, अब तो इसे पता ही चल चुका होगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्रेनेड फेंका है गाइस, स्मोक ग्रेनेड इसे थोड़ा भटकाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल भी डाल दिया इसे भटकाने के लिए कि यार मेरे को कुछ भी करके जीतना है गाइस, मैं इससे क्या कहते हैं ऐसे खेल कर नहीं जीत सकता, तो गाइस कम से कम मैं इसे दिमाग से तो जीत ही सकता हूँ गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर देखो गाइस ये बंदा जो है यहीं मतलब कार के पीछे छुपा हुआ है, गाइस इस बंदे ने दो दो स्नाइपर जो है वो उठा ली है। तो गाइस मेरे पास गाइस एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसे शॉर्ट रेंज में मार सकता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी इसे ख़त्म करते हैं और ये आ जा, बस गाइस एक मौका चाहिए गाइस, बस एक मौका कभी हमारे पास है और अपन इसे शॉर्ट गन से ख़त्म करते हैं, बस एक मौका चाहिए गाइस। सो आ जा जल्दी जल्दी। सो यहाँ पे इसने अपने आपको ग्लू वॉल से कवर किया, तो गाइस अभी अपने को थोड़ा लेना पड़ेगा कवर, और यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा डैमेज दिया और यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल से अपने आपको कवर कर लिया है। और गाइस चलो अभी पीछे से धप्पा करते हैं और यहाँ पे लग जा और ये मर जा और ये क्या गाइस यार बहुत ओपी। सो यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ 70% एचपी बची थी और आखिरकार मैंने दो बार जीत चुका गाइस, आखिरकार अपन दो बार जीत ही चुके हैं। यस गाइस अब हमें गाइस मुझे अंदर से महसूस हो रहा कि हाँ मैं ये मैच जीत सकता हूँ, यस ये गाइस गाइस मैं यहाँ पे ये मैच जीत सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने फिर से सारी चीज़ें ले ली, लेकिन गाइस मैंने MP5 की जगह वुड पैकर उठा लिया क्योंकि अपन को वुड पैकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपन का वुड पैकर से बहुत अच्छा हेडशॉट्स लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 7वां राउंड वो भी गाइस स्टार्ट हो चुका कहा है, ठीक है। सो अभी अपन देखो मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ गाइस ऊपर की साइड, ठीक है। कैंपिंग करने जो है मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ वुड पैकर लेकर, तो अभी चलो अभी जैसे जल्द अपन लोग चलते हैं ऊपर और कैंपिंग करना स्टार्ट कर देता है गाइस, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ ऊपर की साइड और देखो सामने की ओर वो बंदा मेरे को दिख चुका है, ठीक है। सो अभी अपन को यार यहाँ पे बस रुकना है थोड़ी देर, नहीं गाइस छोड़ो अभी यहाँ पे यार रुके कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक जोन नहीं आएगा उसे भी पता है कि हम मैं मार सकता हूँ उसे, तो ठीक है। तो जब तक जोन नहीं आएगा तब तक वो वहीं पर रहेगा, तो इसलिए मैं वापस अब नीचे आ चुका हूँ। सो यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं पर आ चुका है, तो चलो इसे हेडशॉट मारते हैं, यहाँ पे मुझे हेडशॉट और गया। और यहाँ पे गाइस बहुत ओपी था, 336 का हेड लगा चुका हूँ मैं वुड पैकर से, बंदा भी मेरे को हेड लगाने की कोशिश कर रहा था गाइस डेजर्ट ईगल्स, ठीक है। लेकिन यार उससे पहले ही मैंने हेडशॉट लगा दिया और गाइस यहाँ पे मैं 3 बार जीत चुका हूँ गाइस। मैं बराबरी पर पहुँचने के लिए सिर्फ मुझे 1 पॉइंट और चाहिए गाइस, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट और। सो यहाँ पे देखो मैं कुछ और गड़बड़ मतलब छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, जो है वो है, बट यहाँ पे मैंने बस एक क्या कहते हैं स्मोक ग्रेनेड ले लिया है और एक वेस्ट ले लिया क्योंकि हमारे वेस्ट पे थोड़ा सा डैमेज पड़ चुका था। तो चलो अभी गाइस सीधा सीधा अपन लोग जो है रश करते हैं, ठीक है। सो अभी अपन लोग जो है सीधा सीधा रश करेंगे क्योंकि यार वो बंदा मेरे को नहीं लग रहा सीधा सीधा आएगा, लेकिन ये तो यहाँ आ गया। सो गाइस मेरे को क्या लगा था ये बंदा सीधा सीधा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बंदा सीधा सीधा ही आ गया। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आपको कवर करता हूँ, सो यहाँ पे मैंने अपने आपको कवर कर लिया। सो अभी थोड़ा गाइस पीछे की साइड चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे इसने मेरे को थोड़ा सा 30 का डैमेज दिया गाइस। सो आई थिंक डेजर्ट गल्स हमारा, सो अभी से फोर्थ हेडशॉट फिर से देता रह गया। ओ गाइस बहुत तो प्यारी मतलब फिर से गाइस ये बंदा मेरे को फिर से हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा था गाइस डेजर्ट गल्स से, लेकिन उससे पहले हमने फिर से इसे वुड पैकर से हेड मार दिया गाइस। क्या ही खेला गाइस, क्या ही हेडशॉट मारा गाइस, बहुत ओपी। सो यहां पे हम 4-4 बार जीत चुके गाइस बराबरी पर, आखिरकार अपन लोग पहुंच ही गए। अब हमें लग रहा है गाइस कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब मैं जीत सकता हूं ये कस्टम मैच, ठीक है। सो अभी यहां पे हमारा जो है 9वां राउंड गाइस स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे हमारा 9वां राउंड भी स्टार्ट हो चुका है और गाइस मैंने फिर से कोई छेड़छाड़ी नहीं है मतलब छेड़खा क्या कहते हैं उसे अदला बदली नहीं की है, क्योंकि मेरे मैं इसी गन से जीत रहा हूँ, तो गाइस यही गन अपन लोग रखेंगे और कोई गन अपन लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मेरे को पता चल चुका है वो बंदा उस साइड से आएगा, तो अभी अपन लोग इस साइड से रश करने की कोशिश करेंगे। तो चलो अभी अपन लोग जाते हैं गाइस इस साइड, मेरे हिसाब से यार ये बंदा यहीं कहीं होना तो चाहिए, ये बंदा यहीं कहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो गाइस वो रहा गाइस जो बंदा, ठीक है।
तो चलो अभी अपन लोग मैच राउंड रश करने जा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं पे है, तो अभी इसे शॉटगन से खत्म करना है। तो पहले मैं स्मोक ग्रेनेड फेंक देता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने गाइस स्मोक ग्रेनेड भी फेंक दिया और अभी मैं जा रहा हूँ गाइस। थोड़ा इंतजार करते हैं गाइस, थोड़ा इंतजार, क्योंकि कब ये बाहर निकला, अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो मैं पीछे जाऊँगा। सो यहाँ पे मैं पीछे से जा रहा हूँ, यार ये बंदा बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। सो आई थिंक इसे भी दिख रहा होगा। सो यहाँ पे आके का ये बंदा बाहर निकल लेगा और गाइस इसे पता चल चुका कि हम यहीं पे हैं, ठीक है। इसने मेरे को देख लिया गाइस, इधर आते हुए गाइस इसने मेरे को देख लिया। सो यहाँ पे मेरे को फिर से हेडशॉट देने की ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो मैं आ चुका है वापस से। सो अपने आप को मैं ग्लू वॉल से कवर करता हूँ हल्का सा और मैं फिर पीछे जाता हूँ गाइस, ठीक है। सो अभी ये बंदा भी यहीं से आ रहा था, अभी अपने को थोड़ा सा क्या कहते हैं रहना पड़ेगा यहीं पे। सो ये बंदा आ गया यहाँ पे, थोड़े से खत्म करता रहेगा। और गाइस यार बहुत ओपी, सो यहाँ पे हम 5 बार जीत चुके गाइस। क्या ही मैंने मारा गाइस शॉटगन से, मैंने इसको देख लिया था गाइस यहाँ से, मतलब उस साइड से आते हुए, मेरे को लगा वो साइड से गया, लेकिन नहीं, ये बंदा भी जो है उस साइड से ही आया। तो यार मैं भी उस साइड से ही गया और आखिरकार मैंने उसे मार दिया। और गाइस मैं 5 बार लगातार गाइस 5 बार जीत रहा हूँ गाइस, बहुत ओपी। सो यहाँ पे गाइस अपने को बस सिर्फ और सिर्फ 2 बार और जीतना होगा, ये मैच हो जाएगा क्या खत्म, ठीक है। सो अभी अपन को यार मैंने फिर से देखो कोई भी अदला बदली नहीं किया, गन्स में वही गन है जो थी मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड फेंक देता हूँ, यहाँ पे मैंने स्मोक ग्रेनेड भी फेंक दिया। और अभी चलो अभी ऊपर की साइड अपन लोग चलते हैं, और गैस मेरे हिसाब से तो वह उसी साइड से आएगा, नहीं गाइस ये तो यहीं पे। सो गाइस यार ये बंदा तो यहीं सीढ़ियों के पास ही है, ये बंदा मेरे को लगा था गाइस दूसरी साइड से आएगा, जितना मैं लोगों को जानता हूँ वो गाइस यार दूसरी साइड से उतरता है, लेकिन ये बंदा जो है इस साइड से उतरा। तो भाई अभी मेरे को थोड़ा सा इसे भटकाना पड़ेगा कि मैं उस साइड से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा गाइस इसी साइड से, ठीक है। सो अभी मैं देखो थोड़ा इसे भटका रहा हूँ कि ये बंदा जो है इस साइड आ जाए, ठीक है। सो यार मेरे को थोड़ा अभी मारने का मौका मिलेगा, मैं मार भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सो पहले यार इसे भटका ही देते हैं, तो चलो अभी उस साइड चलते हैं, क्यों मेरे को लग रहा है कि देखो उस ये बंदा जो है वो उस साइड, मैं इसे इस साइड बुलाऊंगा और मैं थोड़ा ग्लू वॉल से अपने को कवर करूंगा। देखो अभी जैसे मैंने बोला था ये बंदा यहाँ पे आ चुका है, तो अभी आप इसने अपने आपको ग्लू वॉल से कवर कर लिया, मैंने इसे छुपा लिया और यहाँ पे मैं गिर गया। सो यार यहाँ पे देखो मेरा टेक्निक जो है वो सफल रहा, भाई यहाँ पे आ गया। सो गाइस यार ये बंदा यहीं पे आ चुका है, यहाँ पे मैंने अपने आपको ग्लू वॉल से थोड़ा सा कवर किया और चलो इसे खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया उस बंदे को और ये मर जा गया। अबे भाई साहब ये बंदा क्या, अबे यार गाइस ये क्या हो गया, मेरे को लगा यार ये बंदा उस साइड से आएगा, लेकिन ये तो मेरे पास ही कूद गया और आके इसने बनी MP40 से यार मेरे को खत्म कर दिया। शिट गाइस यार, शिट 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 यार, बहुत गलत बात होगी। सो यहाँ पे देखो बराबरी का पॉइंट हो चुका है गाइस, मेरे 5 पॉइंट हो चुके हैं, उसके भी 5 पॉइंट हो चुका, ठीक है। मतलब सब अभी वो हम दोनों के जो पॉइंट है वो गाइस बराबरी पे पहुंच चुका है, और गाइस अभी मेरे को सिर्फ 2 बार और जीतना है, उसके बाद गाइस हम जीत जाएंगे ये कस्टम मैच, ठीक है। हमारी जो इज्जत है वो बनी रहेगी कि हाँ हम जीत सकते हैं, हम हारते नहीं हैं, हम जीतते भी हैं सबसे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमारा जो क्या कहते हैं 11वां राउंड स्टार्ट हो चुका है, और गाइस मैंने वही सारी गनें रख रखी हैं, क्योंकि यार मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं जीत रहा हूँ इतना, तो यार मेरे को थोड़ा हिम्मत मिलता है इन गनों से कि हाँ भाई मैं ये राउंड भी जीत सकता हूँ। सो यहाँ पे देखो मैं फिर से कैंपिंग करने जा रहा हूँ गाइस ऊपर की साइड, गाइस फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है जो इससे पहले वाले 2-3 राउंड पहले में हुई थी। और देखो गाइस वो बंदा भी वहीं पे है जहाँ पे पहले था, तो गाइस मैं वापस से जा रहा हूँ उसी साइड पे। सो आई थिंक यार सब कुछ वैसा ही हो जाए, तो गाइस मज़ा ही आ जाएगा, वापस से मेरा हेडशॉट लग जाए, अरे यार ये क्या हो गया। तो यार यहाँ पे देखो थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं वापस से उस साइड जाता हूँ। सो यहाँ पे मैं आखिरकार आ गया। सो यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यार, और वो बंदा जो है वो गाइस यहीं पे आ रहा है। सो गाइस इस टाइम पे वो थोड़ा चौकन्ना हो चुका है, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं हेडशॉट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी वो अभी पूरा ग्लू वॉल अच्छे से अपने आपको ग्लू वॉल से कवर कर करके आया जा रहा है, और गाइस वो हेडशॉट लगाने की कोशिश अभी नहीं कर रहा, ठीक है। मेरे हिसाब से वो थोड़ा बाद में करेगा। तो यार अभी मैं सोच रहा हूँ गाइस थोड़ा नीचे उतर जाओ, क्योंकि यार वो बंदा थोड़ा दूर की साइड है, और ये देखो बंदा यहीं पे आ रही। भाई साहब इसने मेरे को फिर से हेडशॉट मारा यार, क्या फिर हंसता भी है, मतलब कैसे इंसान होता है यार मारने के बाद हंसता है। मेरे पास इमोट नहीं है तो मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन तेरे पास है तो हंसता है गंदे इंसान। सो यहाँ पे ये बंदा 6 बार जीत चुका है, अभी अगर ये और बार जीत गया तो यार ये वाला मैच ये बंदा जीत जाएगा, और ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगा, जैसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैं इसे जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए मैं इसे जीतने नहीं दूंगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे चलते हैं गाइस, इस मतलब यार मुझे इस राउंड में किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा यार, किसी भी हालत में मुझे इस राउंड में यार जीतना ही पड़ेगा, वरना ये बंदा जो है जीत जाएगा और यार एक और कस्टम मैच में हार जाऊंगा, ऐसा मैं होने दूंगा गाइस। इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एक कस्टम हारा हूँ, लेकिन अगर मैं ये वाला भी हार गया तो गाइस मैं 2 कस्टम मैच हार जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं पे है, तो चलो इसे खत्म करते हैं। सो यार यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं पे, सो यहाँ पे मैंने इसको देख लिया, इसने मेरे को देख लिया, तो इसे बस खत्म करने की देर है। सो यहाँ पे ग्लू वॉल का भंडार गाइस लगाते हुए, सो अभी अपन भी यार थोड़ा ग्लू वॉल लगाते हुए रश करते हैं। तो यहाँ
इसने बंदे ने अपने आपको गाइस ग्लू वॉल से कवर कर लिया है गाइस, इसने अपन गाइस पूरी तरह से ग्लू वॉल से कवर कर लिया गाइस, पूरी तरीके से इसने अपने आपको ग्लू वॉल से जो है वो कवर कर लिया यार। ये क्या कर लिया इस बंदे ने, सो यहां पे मैं ग्लू वॉल फोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ये बंदा ग्लू वॉल से बाहर निकला, सो इसे खत्म करते हैं यहां पे। अबे यार शिट ये गाइस, ये क्या हो रहा गाइस, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार, मैं इस बंदे को मारने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। अब भाई साहब ये बंदा बच क्यों रहा है इतना ज्यादा, मतलब मैं इसको जब भी ऐसे एक गोली लगती नहीं ये बंदा बच जाता है। सो गाइस यहां पे देखो ये बंदा आ चुका है, थोड़ा से खत्म कर दो। और ये गाइस ये क्या हो गया गाइस, अच्छा हुआ गाइस अपन लोगों के पास ग्लू वॉल था, वरना आज हमारा क्या ही हाल होता, ये बंदा फिर से अपन को बैनिया फोटो से बर्बाद कर देता। सो यहां पे अपन जो है वो गाइस कैंपिंग करने चले जाते। सो गाइस कभी कैंपिंग करने का वक्त नहीं है, क्योंकि यार जोन जो है वो भी छोटा हो रहा है, और आई थिंक ये बंदा मुझे मजे ले रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यही जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम इसे खत्म कर देंगे। यहाँ पे इस बंदे ने मेरे को 70 का डैमेज दे दिया, आई थिंक इसका डेजर्ट ईगल है, तो ये डेजर्ट ईगल से मेरे को मार रहा है। यहाँ पे देखो ये बंदा वापस आ चुका होगा, ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल लगाया जा रहा है गाइस, ये तो बंदा ग्लू वॉल पे जो है ग्लू वॉल लगाया जा रहा है। सो यहाँ पे देखो ये बंदा यहीं थे, सो आई थिंक इसको पता नहीं कि हम यहीं पे, तो यार यहाँ पे इसने अपने को फिर से ग्लू वॉल से कवर किया, लेकिन इस बार नहीं। सो यहाँ पे इसको बहुत गंदा डैमेज दे दिया बस गाइस एक बार और। सो यहाँ पे इसने अपने को फिर से ग्लू वॉल से बाहर फेंका और लग जा बस एक गोली और, अबे फिर से नहीं लगा, मैं किसी बार इसको मार के रहूंगा। सो यहाँ पे फिर से बंदा बच गया, 18 का डैमेज लग चुका है, बस एक बार और लगने की देर यार, लग जा। अबे ये बंदा गाइस फिर से ग्लू वॉल से अपने आपको इसने कवर कर ले, क्या हो रहा है गाइस मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सो गाइस मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और मर जा। अबे मैंने क्यों नहीं मारा गाइस यहाँ पे, यार मैं जीत गया, लेकिन यार ये बंदा जो है ग्लू वॉल में चल, मतलब ग्लू वॉल क्या रुका है, जोन में जाके मर गया यार। शिट गाइस शिट यार, मुझे मारना था ये बंदा गाइस, खुद ब खुद क्या कहते हैं जोन में गया और मर गया, लेकिन कोई बात नहीं यार हम जीत तो गए ही। सो यहाँ पे हम दोनों के 6-6 पॉइंट हो चुका है गाइस, वो 6 बार जीता है, मैं 6 बार जीता हूँ, ठीक है। अब बस लास्ट राउंड है, और गाइस मैं किसी भी हालत में यार ये वाला राउंड जीतना ही है, किसी भी हालत में गाइस मेरे को ये वाला राउंड जीता, अगर मैं ये वाला राउंड नहीं जीता तो गाइस बहुत अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस, मैंने वही सारे गन्स अपने हाथ में रख रखा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा दूर मतलब अभी चलते गए सीधा सीधा रश करने, क्योंकि आई थिंक वो बंदा कैंपिंग करेगा, तो अपन कैंपिंग नहीं अपन सीधा रश करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं गाइस यहाँ पे, कहाँ पे गाइस मेरे को बिल्कुल बताइए, बंदा आखिरकार होगा तो होगा का, ठीक है। सो आई थिंक ये बंदा गाइस उस पिलर के पीछे हो सकता है। सो ये देखो गाइस जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि सारे बंदे गाइस यहीं से आते हैं, जितने भी मैंने क्लैश कोड खेले हैं उन सब में सारे बंदे गाइस यहीं से या फिर दूसरे पीछे वाली साइड से ही आते हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने इस बंदे को बस एक हेडशॉट लगने की दे रही है, सो यहाँ पे मेरे को लगा इस बंदे मेरे को हेडशॉट मार देगा, इसलिए मैं चुप गया। सो बस एक हेडशॉट, अबे ओबे गाइस यार बस हेडशॉट लगने ही वाले थे इस बंदे ने यार, ये क्या किया हमारे सामने ही ग्लू वॉल लगा दे। सो यार ये बंदा ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये बंदा जो है हमारे सामने ग्लू वॉल लगा रहा है कि हम इसे मार ना पाए, और खुद को भी ग्लू वॉल जो है वो लगा रहा है। सो अभी मैं खिड़की से इसे मारता हूँ, और मर जा खिड़की को भी बंद कर दिया, क्या ही इंसान है गाइस ये बंदा, क्या ही इंसान है गाइस इसने तो यार खिड़की को भी बंद कर दिया। और देखो आज ग्लू वॉल लगाया जा रहा है हमारे छत के ओर, सो यार आई थिंक इसको नहीं पता कि अपन नीचे गिर गए हैं, क्योंकि अभी भी ग्लू वॉल लगाया जा रहा है छत की ओर, ठीक है। सो अभी मेरे को थोड़ा सा रुकना है कि कभी बंदा इस वाले ग्लू वॉल से निकले, तो यहाँ पे देखो ये बंदा निकल चुका है। सो गाइस अभी अपने को थोड़ा कैंपिंग करना है, क्योंकि सो देखो यार यहाँ पे इसको नहीं पता कि अपन इसके पीछे ही हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि अपन इसके पीछे ही हैं। अभी बस थोड़ा सा एक क्या कहते हैं मौके की जरूरत है कि कभी ये भागे और हम इसके करीब पहुंचे। सो यहाँ पे देखो ये बंदा ऊपर चला जाएगा, उसे खत्म कर देगा, यहाँ पे 54 का डैमेज, और गाइस बस ये बार नीचे उतर जाए, इसको खत्म कर देंगे। सो यहाँ पे बंदा ये नीचे उतर चुका, चलो इसे खत्म कर दे और मर जा। अबे ओ भाई साहब बस एक गोली की दी है और ये बंदा भागे जा रहा है, अबे मर जा अबे भाई साहब। सो गाइस यहाँ पे बस एक गोली की जिंदगी है इस बंदे की, और ये बंदा देखो गाइस कैसे बच रहा है यहाँ पे, मर जा अबे यार फिर से भाग गया। सो बस एक जिंदगी है यहाँ पे, देखो अपने को ग्लू वॉल से कवर किया इसने बचने के लिए। सो यहाँ पे मर जा अबे एक गोली की मार है भाई, मर जा प्लीज मर जा। सो यहाँ पे मैंने अपने को ग्लू वॉल से कवर किया, सो अभी भाई एक बार मारना है और मर जा फिर से ग्लू वॉल में चला गया यार, ये ग्लू वॉल क्या होगा जोन में, मेरे को भी क्या हो गया है गाइस, ये बंदा यार दो बार मैंने इसको इतना डैमेज दिया और ये बंदा यार जोन में जाके मर गया। सो गाइस इसी के साथ हमारा एक और कस्टम रहा सक्सेसफुल, और गाइस हमने इसे बहुत ओपी तरीके से जीता, लेकिन गाइस मैंने इसे 2 राउंड में इतना डैमेज दिया, लेकिन ये बंदा जोन में जाके मर गया, मुझे इस बात का दुख भी है और गाइस जीतने की खुशी भी है। सो गाइस यार हमने यार आखिरकार एक और कस्टम जीत ही लिया। सो गाइस यार बहुत ओपी रहा ये वाला गेम प्ले। सो गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कैसे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।